पावर 7x dx, क्या करोगे? अब इसको भी वैसी सेम कॉस पावर 6x इनटू कॉस एक्स डीएक्स, एंड रिमेम्बर इसको आपने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कॉस एक्स। अब देखो क्या होता है, आपके हाथ में स्टेप्स को सेव करना है। जैसे आपको पता है कि साइन एक्स को टी मानना है, कॉस एक्स डीएक्स डीटी, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते थे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब इंटू डीटी। अब 1 माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 3 टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6। अब क्या होगा, जब इंटीग्रल लिख रहे हो तो टी की वैल्यू लिखते हुए करो ना। जैसे इसका होगा टी, तो लिखो डायरेक्ट साइन एक्स माइनस टी क्यूब बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस साइन क्यूब एक्स प्लस 3 बाय 5 साइन पावर 5 एक्स माइनस 1 बाय 7 साइन पावर 7 एक्स। करिए कॉस पावर 4 एक्स। इवन पावर में बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट जरूर यूज करिए। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2 एक्स बाय 2, और साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ये आपको बहुत यूज आएगा फॉर इवन फॉर्मूले पर। अब क्या होगा कि कॉस पावर 4 था, आपने पहले से ऐसा लिखा होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 का बेटा होल स्क्वायर, बिल्कुल सही करा आपने। अब 1 बाय 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। अब क्या होगा कि एक बार इसमें और लगेगा, तो 1 बाय 4 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x बाय 2। बस ये ध्यान रखना, गलती से बाय 4 मत लिख देना। अब इसको इंटीग्रल को लिखना है, पहले अरेंज कर लीजिए पूरा। अब 1 और 1 बाय 2 जुड़ के कितना हो गया 3 बाय 2 प्लस 2 कॉस 2x प्लस 1 बाय 2 कॉस बोलो 4x। अब एक चीज याद रखिएगा, 1 बाय 4 बाहर भी है, वो मत भूल जाना। तो इसका हुआ 3 बाय 2x, इसका हुआ 2 साइन 2x बाय 2, इसका हुआ 1 बाय 8, 2 4 और आ गया, और साइन 4x। ये पूरा लॉजिक है। e पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो आप मेंटली बोल पाए tan इनवर्स x को क्या माना आपने, टी, ये उसका डिफरेंशिएशन है ई पावर टी का, ई पावर टी, तो सिंपली कितना ई पावर टेन इनवर्स एक्स। तो उन्हें कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन, एक को फर्स्ट लेना एक को सेकंड। नॉर्मली फर्स्ट उसे लेते हैं जिसका इंटीग्रल नहीं पता होता, सेकंड उसे लेते हैं जिसका इंटीग्रल पता होता है। बाकी इसका रूल आप लोगों ने पहले से लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही, यू इंटू वी डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रल ऑफ वी का कंप्लीट इंटीग्रल। अब यहां पर एक जो याद रखने वाली बात यह कि आप चाहें तो इसे आईलेट से याद कर सकते हैं। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन लाइक 2x, 3x, दिस वन, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऑर्डर ऑफ रेफरेंस अगर ये रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। एक्स स्क्वायर मान लो साइन एक्स डी एक्स लिखा है, तो क्या करते, एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेते और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप बाय पार्ट लिखते हो तो यू इंटू वी लिखते हो ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हो यू का और वी का इंटीग्रल। तो जो इंटीग्रल यहां लिख चुके हो वही रिजल्ट यहां लिखना, दो बार इंटीग्रल थॉट प्रोसेस मत लाना आप लोग। तो अब बताओ क्या होगा, यहां होगा फर्स्ट फंक्शन, अभी आपको क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए समझाने के लिए लिख रहा हूं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड कंप्लीट इंटीग्रल होल इंटीग्रल। तो ये माइनस कॉस एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और ये मिलेगा 2x, तो 2x कॉस एक्स डीएक्स, दो बार आपको करना है। तो आप बताओ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का फिर कितना हो जाएगा बेटा, तो प्लस का कॉस एक्स, यस और नो।